आज की रेसिपी चार रोटियों से बनी हुई है दोस्तों, और पूरा परिवार के लिए नाश्ता तैयार होगा। चार रोटियों से इतना ज्यादा टेस्टी, चटपटी सी और कम तेल वाली हेल्दी नाश्ता तैयार होने वाला है कि आप लोग इसके सामने चौमिन नूडल्स भी भूल जाएंगे दोस्तों। और गेहूं की आटे वाली रोटियां जो होती है ना, उससे बनने वाली रेसिपी है, तो आप लोग इस रेसिपी को जरूर बनाइएगा दोस्तों। इसे बनाना बिल्कुल आसान है लेकिन खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है दोस्तों। बच्चे से बूढ़े तक सब लोग पसंद करेंगे। तो चैनल पे अभी तक आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तो चलिए चलती हूँ बनाने। नमस्कार दोस्तों, साधना किचन बिहारी चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो हाफ कप लेना है गेहूं की आटा। अब इसमें डालना है छोटा स्पून से 2 स्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर। कॉर्नफ्लोर पाउडर का रीजन आगे चल के बताऊंगी, वीडियो पे बने रहिएगा। अब इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके डो तैयार करना है, जिस तरह से रोटी का आटा तैयार होता है दोस्तों उस तरह से, क्योंकि रोटियां ही पहले तैयार करना है इस आटे से। तो देखिए इस तरह से हल्का हल्का पानी डालिएगा, ज्यादा गीला आटा नहीं बनाइएगा दोस्तों। रोटी का दो तरह का आटा होता है, कोई लोग गीला गीला बना करके मतलब गूंथते हैं आटा, लेकिन थोड़ा सा ये टाइट आटा का डो लगाइएगा। टाइट डो लगाने के बाद में बढ़िया सा परफेक्ट रेसिपी बनेगी दोस्तों, और इसमें और कोई मोइन डालने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो दोस्तों मेरा YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर किए हैं तो करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे रोज का वीडियो आप लोग तक जाए और आप लोग हमारी रेसिपी को देख पाए और सीख पाए। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आटा हो गया है तैयार। अब इसमें से 4 लोइयां तैयार करेंगे। 4 लोइयां तैयार हो जाने के बाद में आपको तो खुद अंदाज होगा कि 4 लोइयां कितना आटा में तैयार हो जाएगा। अगर आप लोग कप से माप नहीं बनाएंगे तो कटोरी से भी बना लीजिएगा, जिसमें 4 रोटियां तैयार होगा। तो इसमें 4 परिवार के लिए नाश्ता आराम से तैयार हो जाता है दोस्तों। तो देखिए अब 4 लोइयां तैयार करके ले लेना है रोटी बेलने वाला चकुला। अब थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके, परथन लगा करके इसे रोटी को बेलना है। जिस तरह से रोटी का आकार होता है पतला पतला सा, उसी तरह से इसका आकार देकर के बेलना है दोस्तों। जब रोटी इस तरह से तैयार हो जाएगी तभी इस पे थोड़ा सा सूखा आटा और लगा करके चारों तरफ बराबर फैलाना है। सूखा आटा ऊपर से जरूर लगाइएगा, और देखिए इसका ठीक मतलब कितना पतला है, इसका साइज देख लीजिए रोटी का, तो इतना ही पतला कीजिएगा। अब लेना है चाकू। चाकू के मदद से इस तरह से कटिंग अगर आसान ना लगे तो मैं तरीका बताने जा रही हूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो पे बने रहिए। ये नाश्ता आप लोग बहुत जल्दीबाजी में 5 से 6 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इस रोटी को 2 भाग में डिवाइड करना है, और फिर इस तरह से एक तरफ से हाथ से चाट करके और इस तरह से आसानी से कटिंग कर लेना है दोस्तों। फटाफट इस तरह से कटिंग हो जाएगा दोस्तों, बहुत जल्दीबाजी में कटिंग होता है, इसको काटने में कोई झंझट नहीं है। और ऐसे चकला के नीचे साइड में गिराते जाइए लवालब से काट कर, एक साथ सारा कटिंग हो जाने के बाद में अगला प्रोसेस के लिए बने रहिएगा दोस्तों। देखिएगा इसे बनाना कितना सिंपल है, कितना आसान है। तो देखिए सारा कटिंग तैयार हो गया, 4 रोटियां से इतना सारा हुआ है तैयार। अब देखिए सूखा आटा लगा लगा करके बेलिएगा, और रोटी पर ऊपर सूखा आटा छीट करके कटिंग कीजिएगा, तो इस तरह से अलग अलग रहेगा। एक कढ़ाई बैठाना है, इसमें डालना है 2 से 3 गिलास पानी और थोड़ा सा सरसों का तेल, चाहे इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। नमक डाल, थोड़ा सा इसमें नमक डालना है दोस्तों, और थोड़ा सा नमक डाल करके इसमें डाल देना है इस तरह से सारा कटिंग किया हुआ रोटी। सारा कटिंग किया हुआ रोटी डाल करके और चूल्हा की आंच बिल्कुल हाई रखिएगा, पानी उबाल आते टाइम भी हाई रखिएगा और इसे पकाते टाइम भी हाई रखिएगा, लो और मीडियम ना कीजिएगा दोस्तों। और इसे देखिए चॉपस्टिक का एक डंटी मैं ली हूँ उससे इसे चला रही हूँ, लेकिन आप कांटा चम्मच जिससे चौमिन मैगी खाते हैं ना उससे आप चला सकते हैं। इस तरह से अलग अलग बढ़िया से उबाल आएगा, बढ़िया से पकेगा। तो इसी तरीका से चला करके इसे पका लेना है 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट से कम ही लगता है, 2.5 मिनट मानकर चलिए। इसे हाई फ्लेम पे 2.5 मिनट पका करके
अगला प्रोसेस के लिए बने रहिए दोस्तों। इसमें एक एक तरीका जो है ना आपको ये रेसिपी बनाने में इजी और सिंपल तरीका है, जो आप बीच में अगर स्किप किए वीडियो तो बढ़िया से ये रेसिपी नहीं बना पाएंगे दोस्तों। लेकिन सारे लोग का ये मन पसंद नाश्ता रहता है, सब लोग पसंद करते हैं और बिल्कुल हेल्दी नाश्ता है दोस्तों, कम तेल वाली है। तो देखिए 2.5 मिनट पक गया है, अब इसे इस तरह से निकाल लेना है। जिस करछी से पकौड़ा ये सब निकालते हैं ना, उसे उसी से निकालिएगा जिसे पानी इसका अलग हो जाए बढ़िया से। अब एक बर्तन में, थाली में, प्रात में, प्लेट में, कुछ में भी रखते जाइए। तो सारा इसी तरीके से जब निकल जाएगा उसके बाद अगला प्रोसेस के लिए बने रहिएगा कि किस तरह से इसमें कैसे फ्राई किया जाएगा, किस तरह से मसाले पड़ेंगे, किस तरह से स्वादिष्ट बनाएंगे इसे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। अब सारा निकल गया है, अब चूल्हा के आंच बंद करके कढ़ाई को उतार लेना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हो गया है तैयार। अब इसे ठंडा कर देना है पंखा की हवा के पास। ठंडा करने में 1-2 मिनट टाइम लग जाएगा, ज्यादा नहीं। तो देखिए एक अलग बर्तन में फिर से मैं चेंज कर दे रही हूँ, क्योंकि इसमें पेंदी में जितना पानी अगर निकला होगा तो हट जाएगा और बढ़िया से ड्राई हो जाएगा जल्दी। तो इसलिए फिर से एक प्लेट चेंज कीजिएगा जिसे बढ़िया से जल्दी 1 मिनट में फ्रेश हो जाए, सूख करके मतलब ठंडा हो करके। तो देखिए दोस्तों इस तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देना है 1 मिनट। 1 मिनट के बाद का प्रोसेस के लिए बने रहिएगा वीडियो पे कि अब इसको फ्राई करना है दोस्तों। इसमें ऐसा ऐसा मसाला पड़ेगा और सामान पड़ेगा जिससे इसका स्वाद इतना टेस्टी लगेगा कि आप लोग सच में नूडल्स खाना, चाउमीन खाना, मैगी खाना भूल जाएंगे इसके सामने और बार बार बनाएंगे। आपको बनाने में भी सिंपल लगेगा, आसान लगेगा और खाने में भी मजेदार लगेगा। तो देखिए दोस्तों इसको 1 मिनट हो गया है, ठंडा हो गया है। देखिए एक में एक चिपक नहीं रहा है। इसमें सरसों का तेल जो पानी में डाली थी ना उबाल आते टाइम, इसलिए इसे चिपकने नहीं देगा। अब फिर से चूल्हा ऑन करके कढ़ाई बैठाना है। अब कढ़ाई बैठाने के बाद में इसमें डालना है सरसों का तेल थोड़ा सा। अब इसमें डालना है तेल गरम होने के बाद जीरा थोड़ा सा। जीरा चटक जाने के बाद में डाल देना है हरा मिर्चा 2 से 3 बारीक कटिंग करके। थोड़ा सा हींग डालना है दोस्तों, अगर हींग पसंद नहीं होगा तो इसे हटा भी सकते हैं। अब इसमें डाल देना है प्याज, एक प्याज है मीडियम साइज का है, बारीक कटिंग किया हुआ। अब इस प्याज को बढ़िया से थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाना है, ज्यादा गोल्डन होने तक नहीं, हल्का सॉफ्ट हो जाएगा ना तो समझ जाइएगा कि प्याज बढ़िया से भुना गया है। अब इस तरह से हो गया है प्याज तैयार। अब इसमें डालना है टमाटर, टमाटर है 2 छोटा साइज का। 2 छोटा साइज का टमाटर डालने के बाद में इसे सॉफ्ट होने तक पकाना है, जिस तरह से प्याज भुने हैं ना उसी तरह से टमाटर को भी भुना जाना चाहिए दोस्तों। मैं इसमें मतलब टोमेटो सॉस नहीं डालने वाली हूँ, इसके चलते डाल रही हूँ टमाटर। अगर आप टोमेटो सॉस यूज करेंगे लास्ट में तो टमाटर नहीं डालिएगा। अब इसमें मतलब कश्मीरी मिर्चा पाउडर डालना है 1/2 इंच, मतलब 1/2 स्पून छोटा स्पून से, नमक स्वाद अनुसार। अब नमक से बढ़िया सा टमाटर गला करके मसाला बना देगा दोस्तों। अब बढ़िया सा सॉफ्ट हो जाएगा मसाला तैयार इस टमाटर का। तो अगला प्रोसेस के लिए बने रहिए, इसमें और क्या क्या पड़ेगा। थोड़ा सा करछी से दबा दबा करके इसे मसाला बढ़िया सा सॉफ्ट बना लेना है। तब इसमें डालना है सब्जी मसाला 1/2 टीस्पून, लहसुन पेस्ट 1/2 टीस्पून, गोलकी जीरा पाउडर मतलब 1/2 टीस्पून से भी कम, नहीं तो ज्यादा तीखा हो जाएगा तो बच्चे नहीं खा पाएंगे। अब इन सब मसाले को बढ़िया से भून लेना है लो फ्लेम करके। चूल्हा के आंच धीमी रख के इसे पकाइएगा जिसे बढ़िया सा मसाला पक जाए और जले नहीं। तो देखिए दोस्तों अब यह है बारीक कटिंग किया हुआ पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी को भी डाल देना है इसी में।
अब थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पत्ता गोभी को भून लेना है, हल्का सा, ज्यादा नहीं। अब बढ़िया सा सॉफ्ट जब हो जाएगा, 1 से 1.5 मिनट पत्ता गोभी भुनाएगा तो सॉफ्ट हो जाता है दोस्तों, ज्यादा इसे जलाना पकाना नहीं है। थोड़ा सा क्रंची क्रंची स्वाद आता है ना, तो एकदम मार्केट की तरह नूडल्स की तरह लगेगा। अब इसमें डालना है चिल्ली सॉस 1 टीस्पून के अंदाज। अब डालना है 1 टीस्पून सोया सॉस। अब इसी जगह पे मैं बता रही थी दोस्तों कि अगर आप टमाटर यूज नहीं करेंगे शुरू में तो यहाँ पर टोमेटो सॉस 1 टीस्पून डालिएगा। टमाटर नहीं होगा तो टोमेटो सॉस से आपका काम चल जाएगा दोस्तों, लेकिन मैं टमाटर डाली हूँ इसलिए टोमेटो सॉस नहीं डाल रही हूँ, ज्यादा खट्टा हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से अब थोड़ा सा चला मिला करके 1 मिनट से थोड़ा सा कम ही पका लेना है। उसके बाद सारा नूडल्स डाल देना है इसमें, जो रोटी का नूडल्स तैयार करके रखी हूँ उसको मैं डाल रही हूँ। अब इसको डालने के बाद में किस तरह से इसे चलाना है और कैसे पकाना है वीडियो पे सब बढ़िया से बताऊंगी, ध्यान से देखिएगा। अभी से कांटा चम्मच जो होता है मैगी चाउमीन खाने वाला, उसी से ही इस तरह से चलाइएगा जिससे बढ़िया सा ये उलट पलट होके तैयार हो जाए। और धीमी आंच पे इसे पकाइएगा जिसे मसाला नमक सारा स्वाद के हिसाब से एब्जॉर्ब करे और बढ़िया सा पके, स्वादिष्ट, जले नहीं, इसलिए धीमी आंच पे इसे 2 मिनट तक पकाना है। जब 2 मिनट हो जाएगा ना दोस्तों तो सारा नूडल्स में स्वाद भरपूर आ जाएगा और मसाला एब्जॉर्ब कर लेगा, नमक भी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो देखिएगा इसका कलर कितना बढ़िया लगने लगा। अब देखिए 1.5 से 2 मिनट होने वाला है, इसे उलट पलट करते हुए इतना ध्यान दीजिएगा कि बीच बीच में उलट पलट करके ही 2 मिनट पकाइएगा। अब इसमें अगर धनिया के पत्ता है आपके पास तो धनिया के पत्ता डाल सकते हैं, लेकिन मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। मुझे कस्तूरी मेथी का स्वाद बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, लेकिन आपको अगर नहीं होगा कस्तूरी मेथी आपके पास तो धनिया पत्ता डाल सकते हैं, धनिया पत्ता का भी स्वाद बहुत बढ़िया बनाएगा। तो देखिए इस तरह से हो गया है तैयार। अब थोड़ा 2-4 बार उलट पलट करके कस्तूरी मेथी मिक्स कर देना है। अब इसे उतार लेना है चूल्हा से नीचे। अब देखिए मैं इसे निकाल के दिखा रही हूँ प्लेट में। देखिए दोस्तों इसमें एक एक तरीका जो है ना आपको सारा काम आने वाला है, बीच में वीडियो स्किप करके नहीं देखिएगा। देखिए कितना अलग अलग नूडल्स तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से अगर बनाएंगे ना तो आपका एक में एक चिपकेगा नहीं, अगर एक भी तरीका मिस्टेक किए तो चिपकने लगेगा। इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देख करके इस रेसिपी को बनाइएगा, सब लोग पसंद करेंगे, बहुत ज्यादा पसंद करेंगे दोस्तों। और बच्चों के टिफिन से लेकर सुबह के भाग दौड़ के नाश्ता में भी बना सकते हैं, ड्यूटी जाने वालों को टिफिन में भी दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी, चाय के साथ भी बना सकते हैं दोस्तों, छोटे छोटे भूख पे जल्दी बना करके खिला सकते हैं घर परिवार को। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फेसबुक पेज, फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम पर वीडियो देखते होंगे तो फॉलो कीजिएगा, वहां पर भी रेसिपी हमारी जाती है तो वहां से भी आप रेसिपी देख सकते हैं दोस्तों, लेकिन फॉलो कीजिएगा वहां। और मेरा यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। देखिए एक प्लेट में मैं लगा के दिखा रही हूँ, बिल्कुल नहीं चिपका है दोस्तों। अगर इसे बना करके भी रख देंगे तो ठंडा खाने पर भी मजा आएगा, गर्म खाने पर भी मजा आएगा। तो इस रेसिपी को बनाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जरूर बनाइएगा। और गेहूं के आटे से हेल्दी नाश्ता है दोस्तों, जो सब लोग का मन पसंद बने और झटपट बने, इसलिए मैं ये रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस वीडियो पसंद आने पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, मेरे रिश्तेदारों में शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, जिस तरह से सभी लोग हेल्दी नाश्ता बनाएं और खिलाएं बच्चों को। बाहर का नूडल्स खाना भूल जाइए दोस्तों, बाहर का नूडल्स हेल्दी नहीं होता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है।
इसलिए मैं ऐसी ऐसी तरीका से रेसिपी बनाती हूँ और अपने बच्चों को खिलाती हूँ जिससे बीमार ना पड़े, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। एक नंबर के नाश्ता बनकर तैयार हुआ है, टेस्टी, चटपटी, स्पाइसी, तो है ना कमाल की। वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक का अंगूठा दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले दिन नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।